माघ महा महत्तम अध्याय 31। हरे कृष्णा राधे राधे। माघ पूर्णिमा पर सुवत ब्राह्मण की कथा कहने सुनने से हमें बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। याद रखो, ईश्वर का दिया कोई छीन नहीं सकता और ईश्वर का छीना कोई दे नहीं सकता। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। सही कह रही हूं? तो इसीलिए भाग्य में जो है अपने आप मिल जाएगा और आप अपना मन अपने कर्मों पे लगाओ। आपके ऊपर कान्हा जी की साक्षात श्री कृपा है, जो आपने नियम से माघ स्नान किया है या ये माघ महत्तम सुन रहे हो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करके माघ महा महत्तम का अंतिम अध्याय सुनते हैं। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्र श्री गणेशाय नमो नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महा महत्तम के अध्याय 30 में माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन सुना था। अब आगे राजा दिलीप को माघ स्नान में मुख्य तीर्थों और किए जाने वाले कर्मों के विषय में बतलाने के बाद वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूं। ये शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास किया करते थे। वो धन धान्य से भरे थे और वेदों के गंभीर घोषों से संपूर्ण दिशाएं मान को गुंजायमान किए रहते थे। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वो अच्छे ज्ञाता थे। धर्म शास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वो बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, संख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियों और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। ये सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो वो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन भी किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वो अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तुएं बेचने के योग्य नहीं थी उनको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चंडाल आदि से भी दान लिया, कन्याएं बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वो दूसरों के लिए तीर्थों में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते। इतना ही नहीं, वो नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यतन पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिए। न खाते न दान करते, हमेशा अपना धन गिनते रहते कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वो उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद होने जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में विवेक जागृत हुआ। वो सुव्रत ब्राह्मण दुखी होते हुए अपने मन में ही कहने लगे, मैंने नीच पतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से ये सारा धन जमा किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली।
मेरी तृष्णा बहुत दुस्साहय है, ये मेरु पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अह, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी ये फिर दूसरी दूसरी नई नई कामनाओं को पाना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी कमजोर हो जाती है, पर एक इच्छा ही ऐसी है जो हर समय युवा होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वो विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहते हो, वो आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत से कलेश उठाकर ये धन कमाया। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। अब ऐसा निश्चय करके वो ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चढ़ने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन उनका बुरा समय आ गया और उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था, चोरों ने ब्राह्मण को खूब कस के बांध दिया और सारा धन लेके चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर वो ब्राह्मण देव बिलक बिलक कर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरा धन कमाना, धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम नहीं आया, ना तो मैंने उसे भोगा ना ही दान दिया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए, यदि एक को ले लिया हो तो दूसरी का प्रतिग्रह तो लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वो 7 पीढ़ियों को जला देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्योपासना नहीं की, ध्यान रहित या ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार होठ पोंछकर भली भांति आचमन भी नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुशा की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक उपांशु अथवा मानस जाप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना भी नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को भी कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले 5 यज्ञों का अनुष्ठान भी नहीं किया। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा भी नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर और महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र पूत तिलों का हवन नहीं किया। किसी भी पवित्र पावन मंत्र का जाप नहीं किया। पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की। त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया। वो व्रत भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाला है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि अथवा अतिथि की पूजा भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने तो ये भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को, जो गौलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला।
याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देके कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के चरणामृत को भी नहीं पिया। एकादशी उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र धन स्त्री पुत्र खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं असमर्थ हो गया हूं, कोई व्यापार भी नहीं कर सकता, क्या करूं कहां जाऊं। हाय, मुझ पर तो बड़ा भारी कष्ट आ गया है, मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार दुखी होता हुआ व्याकुलचित होकर सुव्रत मन ही मन विचार किया और एकदम से वो बोले, अहो मेरी समझ में आ गया आ गया आ गया। मुझे याद आया एक समय जब मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था, मार्ग में भगीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारागमी विद्वान थे। वे प्रातःकाल मार्ग स्नान करके बैठे थे। वहां किसी महाविद्वान ने उस समय एक श्लोक कहा था, मांगे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्ते पापत्र दिवं प्रयन्ति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना है, ये बहुत ही प्रमाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की शक्ति नहीं रह गई। वो 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने अपने प्राण वहीं त्याग दिए और उसी समय मेरु गिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहां एक मनवतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। माघ महामहत्तम संपूर्णम। इस माघ महत्तम में हमने जाना, कलयुग में माया के जाल से बचना है तो श्रीहरि की शरण ले लो। याद रखो, तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने या ना रहने से दुनिया या लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए चिंताओं से मुक्त हो और प्रभु का चिंतन करो। श्री हरि के चरणों में शरण लो और प्रेम से मन से भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ जाप करते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रख लो, कलयुग केवल नाम अधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही आपको कृष्ण प्रेम भक्ति मुक्ति शक्ति सब मिल सकती है। यही हमारे माघ मास के महत्तम का समापन होता है। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा है जो आप नियम से इस माघ महत्तम को सुन सके। मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। कान्हा जी आपको अपनी भक्ति प्रेम दे, मुक्ति दे, मोक्ष दे और अपनी भक्ति दे। इसी के साथ आपको इस जीवन के सुख भी दे और आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करे। एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को शेयर करो ताकि और लोगों का भी भला हो सके। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।